May I have the permission of Honorable Governor to start the function, please? प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा I request Shri Mohammad Khalil Band to come on the stage and take oath as a minister for the state. खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं एकराज साले करता हूँ रियासती आईन पर जो कानून की उसे करार पाया है सच्चा एजकाद रखूंगा और इसके तय वफादारी बरतूंगा ये कि मैं हिंदुस्तान की खुदमख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा मैं मजीद खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूं कि मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास एकरार सारे करता हूं कि वो किसी मामले जो मेरे जेर को लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो की इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा मासिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाजायबता सरंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो I request Shri Satpal Sharma to come on the stage and take oath as a minister for the state. मैं सतपाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं वैर या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। I request Shri Mohammad Ashraf Mir to come on the stage and take oath as a minister for the state. I Mohammad Ashraf Mir, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of the state as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all men or people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I request Shri Sunil Kumar Sharma to come on the stage and take oath as a minister for the state. मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से मैं निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। I request Shri Rajiv Jasrotia to come on the stage and take oath as a minister for the state. I, Rajiv Jasrotia, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of the state as by law established, that I'll uphold the sovereignty and integrity of India, that I'll faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do the right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state, except as be required for the due discharge of my duties as such minister. Thank you. Yeah. I request Shri Devinder Kumar Manyan to come on the stage and take oath as a minister for the state. I, Devinder Kumar Manyan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all men of people in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I request Shri Sakti Raj to come on the stage and take oath as a minister of the state.
I, Shakti Raj Parihar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all the manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of the state except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Permission to close the function, please.